आज मेरी नाइट ड्यूटी एनएसओ ड्यूटी रहने के वजह से मैं आज पेट्रोलिंग कर रहा था। पेट्रोलिंग करते हुए थोड़े लोग कमेंट करेंगे, यहाँ मुरादनगर में पान के डब्बे, किराना दुकाना ओपन है सब, और ये सिटी डायमंड होटल जो साफ बाहर सामने से देख रहे हैं बंद है शटर, और पीछे का हाल भी आप लोग देखिए ना, पीछे भी 100 आदमी तक अंदर है। तो ये पूरा हैदराबाद का माहौल कल्चर ऐसा हो गया, सामने से शटर डाल ले रहे, पीछे से लोगों को फॉलो करके का पूरा होटल चला रहे। तो इस लिहाज से हम नाइट ड्यूटी हमारे इंस्पेक्टर हबीब नगर और हमारे सीसीएस एसीपी साहब के साथ आज पूरा ये रेड कर रहे, 3-4 जगह पे उन लोगों को पूरा उनको केस लगा रहे, केस लगा के इसमें ओनरों को केस लगाएंगे, और ओनरों को केस लगा के हम उसको बैंड ओवर भी करेंगे। बैंड ओवर करके उनके ऊपर अगर फिर अगर ऐसे मिले तो उसको उनको फोरफिट करा के बॉन्ड 50,000 1 लाख का ऐसा करके हम इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। सब अक्सर सपा जब उतरा आसिफ नगर में या ट्राको डाल रही है आप कर रहे हैं, एरिया पुलिस स्टेशन की नॉलेज में नहीं है साहब, तो कितने अपनी जब बैठ रहे कर रहे हैं होटल का ओपन चलाने की इसकी वजह क्या है साहब? नहीं, ये क्या है, ये जनरल ही जाए गए खुद, तो जो लोकल पुलिस वाले गए खुद बंद कर दे रहे, फिर उन्होंने आदत फिर स्टार्ट कर दे रहे, और इसमें भी अपने लोगों का कुछ फॉल्ट है कि हम उसके ऊपर भी नजर रखे हुए हैं। हमारे सीपी साहब वो उन लोगों को सीपी साहब के पास भी ये बात शक्की नजर से देख रहे, क्या हमने पुलिस वाले ही उन लोगों को सपोर्ट कर रहे क्या, बोले ऐसा वो एक है ना, अपन को शक है। तो वैसे लोगों के ऊपर हम एक्शन ले रहे, उन लोगों को सस्पेंड करेंगे, रिपोर्ट लिख के सीपी साहब के पास, और वो चार्ज में ऐसा एक सीपी साहब के क्लियर इंस्ट्रक्शंस है इस बारे में कि पेट्रोल कार्ड्स और बीट कार्ड जो बीसी सरते सगी मोटर फिरते उन लोगों के ऊपर चार्ज मेमो देना और उनके ऊपर एक्शन लेना, बल्कि सीपी साहब के भी ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस है, हम इसको फॉलो करेंगे, और उन लोगों को भी टाइट करके लोकल पुलिस वाले भी इसको सही तरह से अमल करें ऐसा हम देखेंगे। तो कितने लोग को कस्टडी में लिए? अब तक 3 जनों को लिए, एस्टेब्लिशमेंट वालों को, और जो जो दूसरे जो होटल में बैठे हुए हैं उन लोगों को वार्निंग दे के काउंसलिंग दे के छोड़ रहे हैं, और एड्रेस सेल नंबर लेके अगर कुछ जरूरत पड़े तो उनको भी एविडेंस के ऐसा इस्तेमाल करते हैं। इन लोगों को हम आइंदा एक गाड़ी लेके डीसीएम लेके एक फोर्स लेके पूरा उनको डीसीएम में चढ़ा लेके पोजिशनों को ले आके सुबह में बैठ के उनके एल्डर्स को बुला के घर वालों को बुला के काउंसलिंग करके हम इसको छोड़ने का इरादा है। एक अवेयरनेस ला के बड़े लोगों से बात करके अपने बच्चों को अपने घर वालों को कंट्रोल करने के लिए हम हिदायत देंगे।